तारीख को जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो मोदी मीडिया का एक पत्रकार टीवी पे बोल रहा था कि इस चुनाव परिणाम को देख करके ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ बन गया हो मोदीगढ़, मध्य प्रदेश बन गया हो मोदी प्रदेश और राजस्थान बन गया हो मोदी स्थान। मेरा मन किया कि अगर ये टीवी नहीं होता ना तो मैं पक्का टीवी में घुस जाता। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान बन गया है मोदी स्थान, छत्तीसगढ़ बन गया है मोदीगढ़, मध्य प्रदेश बन गया है मोदी प्रदेश, तो क्या आपकी ये इच्छा है कि आप महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं मोदी राष्ट्र? अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं युवा संघर्ष यात्रा के अपने सभी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं। बोलिए, अपील मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इन्होंने वादा किया है राजस्थान में कि हमारी सरकार आएगी तब ये 450 रुपया में सिलेंडर देंगे, समझे? यहां तो है सरकार, यह है ना सरकार, फडणवीस जी है ना सरकार में। अरे ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, सरकार तो है ना। तो क्या आप लोगों को, सभी बहनों से मैं पूछता हूं, जब भी आपके पास भाजपा का कोई लोग कागज लेकर के आए तो आप आपसे यही पूछिएगा, बताओ 450 में महाराष्ट्र में कब सिलेंडर दे रहे हो? यह पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और यह सवाल जब आप पूछना शुरू करेंगे ना तो जो टीवी में प्रचार आ रहा है ना मोदी की गारंटी, वो प्रचार आना बंद हो जाएगा। वो प्रचार आना बंद इसलिए हो जाएगा कि मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि अगर भाजपा की गारंटी होगी तो 5 गारंटी देगी ना तो कम से कम 1 गारंटी पूरा कर देगी। अगर आरएसएस की गारंटी होगी तो अगर 10 गारंटी करेगी तो कम से कम 2 गारंटी पूरा कर देगी। ये मोदी जी का गारंटी है तो गारंटी लिख लीजिए मेरा कि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूं। देखिए, मोदी जी की गारंटी थी, मुझे याद है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं टीवी कम देखता हूं इसीलिए मुझे सब कुछ याद रहता है। आपको भी मैं याद दिलाता हूं, मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। बोलिए, 2 करोड़ नौकरी पैदा हुई? अरे झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई? अच्छा, 15 लाख खाते में आया होगा? 15 लाख भी नहीं आया? तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? क्या आप वर्धा से नागपुर अब बुलेट ट्रेन चढ़ के जाते हैं क्या? बोलिए, बुलेट ट्रेन चल गई क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाना था, मिला? तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? यही मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वक्त का तकाजा देखिए, आप छोड़ दीजिए, अब ये सब बात हम नहीं कहेंगे, वो आप कहिए, आपकी इच्छा है। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी मतलब ये कभी पूरा नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। यहां पे बहन जी बैठी हुई हैं, शादी होती है, अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के जब शादी होती है तो 7 फेरे में 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या शादी होती है ना, 7 फेरा लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से, अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन पूरा करेंगे। मोदी जी 7 फेरा लिए थे ना? लिए थे कि नहीं लिए थे अग्नि को साक्षी मान के? हैं? अग्नि को साक्षी मान करके मोदी जी 7 फेरा लिए हिंदू रीति रिवाज से और एक महिला को 7 वचन दिया, पूरा किया क्या? 7 जन्म तक साथ निभाने का। जानते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है यशोदा और मेरा नाम है कन्हैया। बदला तो लेंगे साहब आपसे। मैं कहता हूं इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना।
बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। महाराष्ट्र में आजकल मराठा को ओबीसी से लड़ा रहे हैं। कभी देखिएगा तो मातंग समाज को जो है वो महार समाज से लड़ाते रहेंगे, कहीं देखिएगा तो जो है ओबीसी को ओबीसी से लड़ाते रहेंगे, जाधव को दूसरे समाज से लड़ाएंगे, दूसरे समाज को जाधव से लड़ा देंगे, कहीं देखिएगा तो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, सेवंथ पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए, दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, आईआईएम, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया, और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं है। यही ना, एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है, क्या भंडारा में, यहां वर्धा में, यहां अमरावती में जितना भाजपा का एमपी एमएलए है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए, बेटा इतना चलाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना, जो देश को बनाया जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। बताइए, ये जो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, सिंधे सेना के लोग आजकल शिवसेना से पूछ रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं हैं। कितना अजीब लगता है, जिसको बाला साहब ठाकरे ने हाथ पकड़ करके नारा लगाने के लिए सिखाया होगा, माइक पे खड़ा होकर के भाषण देने के लिए सिखाया होगा, वही बाला साहब ठाकरे के पोता से पूछता है कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं हो। यही चल रहा है ना, इसको कहते हैं ध्यान भटकाओ योजना। ध्यान भटकाओ योजना क्या है कि महाराष्ट्र की आवाम को आपस में लड़ा दो और महाराष्ट्र की सारी संपत्ति, महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्री अपने गुजराती दोस्त के खजाने में पहुंचा दो। यही खेल चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। यहां बैठे हुए नेता आपको बताएंगे कि मुंबई का एयरपोर्ट किसका। हाँ जोर से बोलो, डरने की बात नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर जो है सेडिशन का केस कर देंगे, अब पुलिस के लिए भी तो हम ही लड़ेंगे ना क्या भाई। वो पोर्ट जो है वो अदानी को कैसे मिला? अदानी का एक आदमी इधर गया बातचीत करने के लिए कि ये पोर्ट हमको दे दो। जी ही अदानी का आदमी बाहर निकला कि पीछे से ईडी घुस गया, बोला देते हो कि नहीं देते हो। ये हमारे आंख के सामने हो रहा है, ये हमारे आंख के सामने हो रहा है कि जब जोर से देश की बात की जाती है तो आप समझ लीजिए कि देश की कोई संपत्ति दोस्त के नाम होने वाली है। देश की जनता धर्म में उलझी रहे, जाति में उलझी रहे, भावनाओं को भड़का करके, लोगों को आपस में लड़ा करके हमारी आपकी संपत्ति अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाई जा रही है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा और उसका दोस्त भी भाग जाएगा। आज इस देश में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के द्वारा लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही है। मैं तो कहता हूं अगर सरकार लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दे, 2 करोड़ नौकरी दे दे, बुलेट ट्रेन चला दे, सबके लिए पक्का मकान बना दे, तो सरकार का विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। सच बात यह है कि सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया है।
और काम पूरा करने की बजाय नया नया मुद्दा फेंकते रहते हैं। आजकल एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, भ्रष्टाचार का। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, रोहित भाई, आपके घर में अगर अगली बार ईडी आए तो आप तुरंत फोन लीजिएगा और कहिएगा कि एक मिनट, अमित शाह से बात कर रहे हैं, ईडी वापस चला जाएगा। यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जिस किसी को भी इस सरकार से सच पूछने की आदत है, उसके ऊपर तमाम गुनाह जो है वो मुनासिब किए जाएंगे, और जो इस सरकार से हाथ मिला ले उसका 100 खून भी माफ किया कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं ना कि मैं अगर बेईमान हूं तो मैं बेईमान हूं, लेकिन ये युवा संघर्ष यात्रा का खेस उतार करके भाजपा का खेस पहन लूं तो मैं ईमानदार कैसे बन जाता हूं? ये जो भ्रष्टाचारी है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में जाते ही सदाचारी कैसे बन जाता है? इसमें कोई खेल है कि नहीं है, आप सोच के बताइए। और खेल है तो क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोले और भ्रष्टाचार पे लंबा लंबा भाषण दे? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि जय शाह को अपने मंच पे बिठा करके उसके पप्पा अमित शाह के सामने परिवारवाद पे भाषण दे? ये शोभा देता है क्या? भाजपा के लोग अपने बच्चों को आमदार बनाए, खासदार बनाए, मंत्री बनाए तो ये परिवारवाद नहीं है। दूसरे पार्टी के लोग अगर उनके बच्चे आमदार और खासदार बन गए तो वो परिवारवादी बन गए। हाय रे बेईमानी! ये सच्चाई हम तमाम लोगों को आंख खोल करके देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि आज देश की वास्तविक हालत क्या है। आज देश की वास्तविक हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पे अग्निपथ की योजना लाई गई है कि एक शहीद को भी उसके शहादत का सम्मान नहीं मिल रहा है। यह शर्म की बात है। रोजगार की हालत यह है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए हैं, एमबीए कर लिए हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका बाप अगर मंत्री है तो आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन सकते हैं। यह रोजगार की हालत है। यह हालत है कि इस देश को चलाने वाले जो किसान और मजदूर हैं उनको उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो बेईमान हैं उनको औने पौने दाम में, करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के दाम में आज उनको दिया जा रहा है। देश की हालत यह है कि हमको और आपको आपस में लड़ा दिया गया है, और हमारे आपके देश की जो संपत्ति है दिनों दिन एक दो हाथों के में पहुंचाया जा रहा है, उनकी तिजोरियों में पहुंचाया जा रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, इस सवाल को आप सब लोग सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि आज हमारे देश के साथ हो क्या रहा है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है, खुशी की बात है, बजाइए ताली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह प्रश्न पे विचार कीजिएगा ना कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? वो 80 करोड़ लोग कौन हैं? इस प्रश्न पे विचार कीजिए कि अगर 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है तो देश के 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी कैसे जमा हो गई है, और देश के 99% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी कैसे है? इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आखिरी कोट के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती है जब तक कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आते हैं। इस देश में अगर हम लोकतंत्र बचा करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और पैदल चलने वाला का वोट एक हो, अगर हम चाहते हैं कि महिला और पुरुष का वोट एक रहे, हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब का वोट एक रहे, तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा
कि सिर्फ नारों में सबका साथ सबका विकास नहीं, हकीकत में सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। यह देश 140 करोड़ लोगों का है, तिलक लगाने वालों का भी है, टोपी पहनने वालों का भी है, महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है, सभी धर्म सभी जाति का यह देश है। और इस देश के जो लोग हैं उनका रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना, यही देशभक्ति है, यही देश सेवा है।